नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। स्वागत करती हूँ अपने सारे दोस्तों का आपके अपने ही चैनल मी सहेली पर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज़्यादा चटपटा नाश्ते की रेसिपी, जिसे आप बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम चीज़ों से बना के तैयार कर सकते हैं। नाश्ता खाने में बहुत ही ज़्यादा चटपटा और देखने में एकदम से सुंदर बन के तैयार होगा। तो यहाँ पर जैसे जैसे आपको बता रही हूँ क्या क्या लेना है, उसी हिसाब से आप भी सारे चीज़ों को लेके और अच्छे से नाश्ता को बनाइएगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा पहले धनिया पत्ती को इस तरीके से कट करके रखी हूँ, ना ही बहुत ज़्यादा ये मोटा है, ना ही ज़्यादा ये पतला है। अब यहाँ पर हमें मीडियम साइज़ का प्याज ले लेना है और प्याज को इस तरीके से गोल गोल करके कट कर लेना है, जिससे हमारा नाश्ता देखने में भी अच्छा लगे। आप लहसुन प्याज खाते हैं तो डालिएगा, नहीं खाते हैं तो इसके बिना भी नाश्ता को बना के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस साइज़ के दो छोटे प्याज ले ली हूँ। प्याज बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, बड़ा है तो आप एक ले सकते हैं। और प्याज को इस तरीके से गोल गोल करके कट करना है। देखिए अभी प्याज और ये कट चुका है। अब हमें थोड़ा सा चाहिए होगा हरी मिर्ची, तो 2 से 3 हरी मिर्ची का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नाश्ता आपको कितना बनाना है उस हिसाब से आप मिर्ची लीजिएगा। तीखा ज़्यादा पसंद है तो मिर्ची का मात्रा जो है ज़्यादा कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं 2 छोटे साइज का मिर्ची को अच्छे से कट करके ले ली हूँ। अब मिर्ची के साथ ही छोटा टुकड़ा अदरक का भी लेंगे। अदरक को इस तरीके से आप काट के भी डाल सकते हैं पतला पतला, और चाहें तो इसको कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। थोड़ा ही सा अदरक का हमें ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा अदरक नहीं चाहिए। देखिए बस थोड़ा सा टुकड़ा हमें अदरक का चाहिए। नाश्ता बनाने के लिए यहाँ पर चाहिए हमें छोटा वाला मिक्सर जार। नाश्ता बहुत ही ज़्यादा चटपटा बनेगा, तो आप पूरा ही वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। जार के अंदर डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच के जितना जीरा, ये जीरा कच्चा है, और साथ में जो हम लोग प्याज कट करके अभी रखे हैं, और प्याज के जो आगे पीछे वाला भाग थोड़ा छोटे साइज का होता है वो डाल देंगे, यानी कि 1/2 प्याज मान के चलिए। और साथ में यहाँ पर 4 कली लहसुन का डालेंगे। लहसुन थोड़ा सा बड़ा है, मोटा मोटा है, तो 4 कली डाली हूँ। आप छोटे छोटे लहसुन का इस्तेमाल करेंगे तो 5 से 6 आप डाल सकते हैं। 2 हरी मिर्ची का इस्तेमाल यहाँ पर हम लोग करेंगे, और इसके साथ ही डालेंगे इसमें 4 से 5 काजू। आपके पास है तो आप काजू डाल लें, नहीं है तो आप इसके जगह पर सफ़ेद वाला तिल 1 चम्मच डाल सकते हैं। उससे भी बहुत अच्छा आपका नाश्ता बनेगा, स्वाद बहुत अच्छा नाश्ते के अंदर आएगा। अब इसी के अंदर डाल देंगे थोड़ा सा चाट मसाला, जिससे कि ये जो पेस्ट है वो एकदम से चटपटा बने, हमारे नाश्ते को भी बहुत अच्छा टेस्टी बनाए। ये होममेड चाट मसाला है। आप लोगों को रेसिपी चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी। अब इसमें ही डाल देंगे हल्का सा नमक। नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस थोड़ा सा नमक डालेंगे। अब इसमें ढक्कन लगा के एक बार इसको इसी तरीके से चलाएंगे, बिना इसमें पानी वगैरह कुछ भी डाले हुए एक बार चलाएंगे। उसके बाद आपको दिखाती हूँ इसमें अब हमें क्या डालना है। तो अभी देखिए ये पीसने के बाद कुछ इस तरीके का पीस गया है, लेकिन अभी भी ये काफ़ी दरदरा है। तो ये जो दरदरा है इसको हमें चिकना करना है, लेकिन इसके अंदर पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ली हूँ, देखिए दोस्तों ये दूध के ऊपर क्रीम आ जाता है वो वाला क्रीम, वही क्रीम जो है इसमें डालेंगे 1 चम्मच। और ये वाले जो मिश्रण है इसको बहुत ज़्यादा हम लोग गीला भी नहीं करेंगे, तो कुछ हिसाब से 1 चम्मच के जितना इसमें क्रीम डाल दी हूँ। साथ में थोड़ा सा 1/2 चम्मच के जितना दूध भी डालेंगे। अब मिक्सी को बंद करके जार को और बहुत अच्छे से इसको चला लेंगे, जिससे कि क्रीम पिस जाए साथ में, और बहुत ही अच्छा गाढ़ा सा एक पेस्ट सा ये तैयार हो जाए। तो देखिए बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है और एकदम क्रीम के जैसा बन गया है। देखिए ऐसे ही चाहिए, इसको बहुत ज़्यादा गीला कीजिएगा तो फिर आपको नाश्ता बनाने में दिक्कत आ जाएगी। अब पेस्ट को निकाल के दूसरे बर्तन में रख लेंगे। तो ये 2 चम्मच के करीब पेस्ट तैयार हो गया है। तो 2 से 3 नाश्ता यदि आप बना रहे हैं तो इतना काफ़ी है, और ज़्यादा बनाएंगे तो इसमें प्याज का मात्रा थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा तो ये पेस्ट ज़्यादा मात्रा में आपको मिल जाएगा।
नाश्ता बनाने के लिए ये जो प्याज का लच्छा है इसमें से दो लच्छा को इसी तरीके से रहने देंगे और बाकी को इस तरीके से खोल देंगे। इसका जो गोल गोल सा रिंग रिंग सा है इसको अलग अलग कर देंगे, जिससे हमारा नाश्ता बहुत ही अच्छा बनेगा और देखने में भी ये सुंदर लगेगा। देखिए इस तरीके से सारे लच्छे को खोल देंगे और दो से तीन प्याज को आप ऐसे, आप चाहें तो बिना खोले हुए भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरीके से रखना चाहते हैं। प्याज के लच्छा को खोलने के बाद इसमें डाल देंगे ये अदरक और मिर्ची और साथ में डाल देंगे इसमें थोड़ा सा शिमला मिर्च। तो इस तरीके से लंबाई में कटा हुआ शिमला मिर्च चाहिए हमें, बस थोड़ा सा, एक चम्मच के करीब, बहुत ज़्यादा नहीं है। और साथ में इसी के साथ में डाल देंगे थोड़ा सा टमाटर। टमाटर को भी इस तरीके से बीच से चीरा लगा के और कट करके लेना है, जिससे कि ना ही इसका टुकड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा हो और ना ही इसका टुकड़ा जो है बहुत ज़्यादा छोटा हो। अब इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा नमक, हल्का सा, और हल्का सा इसमें डालेंगे चाट मसाला। ये तो ज़रूर से डालिएगा, इस टाइप के नाश्ता में बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है, चटपटा हो जाता है टेस्ट। हल्का सा इसमें लाल मिर्ची का पाउडर डाल देंगे और हल्का सा डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। आप चाहें तो इसमें थोड़ा धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं, दरदरा कूट के धनिया। थोड़ा सा डालेंगे गरम मसाला और इसमें कुछ भी नहीं डालना है। आप सारी चीज़ों को अच्छे से एक बार हाथ से मिक्स कर लेंगे, एकदम हल्के हाथों से, नहीं तो ये इसमें नमक डला है और टमाटर के वजह से पानी छूट जाएगा। तो बस हल्के हाथों से सारे चीज़ों को हमें मिक्स कर लेना है। मिक्स हो चुका है ये, इसमें थोड़ा सा धनिया की पत्ती भी डालेंगे और थोड़ा सा धनिया की पत्ती को बचा के रखेंगे। दोस्तों वीडियो जरा सा भी अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। आगे भी आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे से रेसिपी लेके आऊँगी, तो आप लोग बेल आइकन जो छोटा सा घंटी है ना उसे भी प्रेस कर लीजिएगा। इससे हमारे आने वाले सारे ही वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे और आप हमारे सारे ही वीडियोज़ को देख पाएंगे घर बैठे बैठे, बहुत ही आसानी से, बहुत अच्छे अच्छे से रेसिपी एकदम आसानी से सस्ते में बनाना सीख जाएंगे। अब धनिया पत्ती डालने के बाद जो ये है प्याज वाला मसाला, ये देखने में भी सुंदर लगता है, इसका स्वाद भी बढ़ जाता है। आपके पास है धनिया पत्ती तो डाल लीजिएगा, नहीं है तो आप थोड़ा सा इसमें पुदीना के पत्ती भी बारीक कट करके डाल सकते हैं, उससे भी आपके नाश्ता का स्वाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा आ जाता है। आज के नाश्ता बहुत ही आसानी से बनाएंगे, तो आप चाहें तो इसको गुथे हुए जो आटा फ्रिज में बचा हुआ होता है उससे भी नाश्ता को बहुत अच्छे से बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से। और चाहें तो आप जैसे सूखा आटा है, हम लोग रोटी के लिए आटा लगाते हैं, बिल्कुल वैसे आटा लगा के भी इसको बना सकते हैं। तो आज ना ही मैं ये बचे हुए आटा से बनाऊँगी और ना ही आटा को गूँथ के बनाऊँगी, एकदम अलग तरीके से आज का नाश्ता आपको बना के दिखाने वाली हूँ। तो वो है बचे हुए रोटी का, ये बासी बचे हुए रोटी से आज हम लोग नाश्ता बनाएंगे, जो कि एकदम अलग तरीके का नाश्ता बनेगा, शायद ही आपने आज से पहले इस टाइप के नाश्ते को बनाया होगा। तो यहाँ पर मैं दो रोटी ले लेती हूँ, आपके पास जितना भी रोटी है आप उतना से बना लीजिएगा। नाश्ता ज़्यादा बनाना है तो ज़्यादा रोटी ले सकते हैं और कम बनाना है तो आप दो रोटी से भी बना सकते हैं नाश्ता को। नाश्ता बनाने के लिए क्या करेंगे तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हमें एक रोटी को लेना है, एक रोटी को अलग रखेंगे। ध्यान रखिएगा रोटी बहुत ज़्यादा सूखा हुआ नहीं होना चाहिए, रोटी बहुत ज़्यादा सूखा होगा तो हल्का हल्का सा पानी लगा लीजिएगा, जैसे रोटी में हल्का नमी आ जाए तभी आपका नाश्ता अच्छे से बन पाएगा। अब जो ये पेस्ट हम लोग बनाए हैं इस क्रीम के साथ, तो क्रीम वाले में नमक भी डला हुआ है, तो इसमें हमें अलग से कुछ भी नहीं डालना। ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट वाला ये क्रीम बन के तैयार होता है काजू के वजह से, तो आपको इसमें ना ही चीज़ डालने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही पनीर डालने की ज़रूरत पड़ेगी। इस टाइप से आप घर में क्रीम बना के नाश्ता बहुत अच्छा बना सकते हैं। अच्छे से रोटी पे फैला लेंगे, तो दो नाश्ता ही हमें बनाना है, उस हिसाब से क्रीम बनाई हूँ। देखिए आधा क्रीम इसके ऊपर लग चुका है और आधा क्रीम बचा के रखी हूँ। सारे रोटी पे अच्छे से लगा लेना है हमें। अब यहाँ पर रोटी में थोड़ा सा कट लगा लेंगे, हाफ करके कट लगाएंगे, जैसे आधा रोटी में कट लगेगा और आधा रोटी, देखिए बराबर से कट लगाइएगा तो नाश्ता का शेप जो है बहुत अच्छे से आप दे पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर जो बचा हुआ प्याज, जिसको बिना लच्छा निकाले हुए रखी हूँ, तो थोड़ा देर में ये वाले प्याज थोड़ा दूर में लगा लेंगे।
इस तरीके से देखिए, और जो लच्छा है प्याज का उसको थोड़ा यहाँ पर लगाएंगे। ऐसे करके आप इसके अंदर जो भी जैसे उबला हुआ आलू डालना चाहते हैं तो भी आप डाल सकते हैं, और बिना आलू का बनाना है एकदम से झटपट से नाश्ता तो आप ऐसे करके बना सकते हैं। कोई भी तामझाम नहीं, झटपट से नाश्ता बनके तैयार हो जाएगा। अभी नाश्ता को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, मोड़ेंगे। थोड़ा सा इधर भी यही वाले मसाले को डाल देते हैं। तीन जगह हमें इसको लगाना है थोड़े थोड़े दूरी पे गैप रखते हुए, जिससे कि जब आप नाश्ता को मोड़े तो ये बहुत अच्छे से मुड़ जाए, कहीं से भी ये दिक्कत ना करे। ऐसे करके अब देखिए कैसे मोड़ना है। जो कटा हुआ टुकड़ा है इसको लेंगे, इसके ऊपर इस तरीके से चिपका देंगे हल्के हाथों से, और ये जो टुकड़ा है देखिए इसको फिर से एक बार इस तरीके से मोड़ देंगे। ये पैकेट के जैसे बन जाएगा और हल्का सा इसको दबा देंगे। रोटी सॉफ्ट है तो ये नाश्ता बहुत अच्छे से बन चुका है, देख पा रहे हैं। आप चाहें इसके अंदर पनीर रखना तो पनीर रख सकते हैं, और झटपट में आपको बनाना है बचे हुए रोटी से नाश्ता तो जैसे मैं आपको अभी बना के दिखाई हूँ बिल्कुल वैसे ही बना लीजिए। अब चलिए इसको बना के दिखाती हूँ कि इसको बनाएंगे कैसे। थोड़ा सा आपको लगे कि ऊपर से और धनिया पत्ती लगाना है तो हल्का हल्का सा इसमें आप धनिया पत्ती लगा सकते हैं, नाश्ते को सजा सकते हैं। दोनों ही नाश्ता को हमें उसी तरीके से बना के तैयार कर लेना है। आज का नाश्ता आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। आप लोग कहाँ कहाँ से हमारे वीडियो को देख रहे हैं ये भी ज़रूर बताइएगा, इससे हमें पता चल पाएगा हमारा वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँचा है, और आपका थैंक्स भी कर सकूँगी। अब इसमें भी सेम तरीके से लगाएंगे सारे चीज़ों को। तो दोनों नाश्ता हमारा बनके तैयार है। अब नाश्ता बनाने के लिए हमें गैस की तरफ चलना होगा, क्योंकि इसका तैयारी अभी भी बाकी है, जिससे कि नाश्ता बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगे। नाश्ता बनाने के लिए पैन को चढ़ा दी हूँ। अब इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे, तेल घी बटर आप कुछ भी डाल सकते हैं जो आपको डालना है, तो बस बहुत कम डालेंगे जिससे कि रोटी हल्का क्रिस्पी हो जाए और खाने में उसका स्वाद जो है और भी ज़्यादा अच्छा लगे, पता न चले कि इसे आपने बचे हुए रोटी से बनाया है। तेल गरम हो चुका है, अब इसमें नाश्ते को डालेंगे। इस तरीके से मसाला जो इसमें डाला है उसको अच्छे से सेट करके डालिएगा, और धीरे धीरे से इसको थोड़ा सा पकने देंगे। जब ये थोड़ा पक जाएगा तो हल्का सा इस तरीके से दबा दबा के पकाएंगे, जो अंदर में प्याज वगैरह है वो भी थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और सारी चीज़ का स्वाद जो है रोटी में आ जाए। अब एक तरफ से हो चुका है नाश्ता, अब इसको दूसरे तरफ से पलट देंगे। एकदम से धीरे से करके पलट दीजिएगा, ऐसे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। देखिए कलर बहुत प्यारा आ गया है। अब इस वाले नाश्ता को भी उसी तरीके से करके दूसरे तरफ से पलट देंगे और थोड़ा देर इधर भी सेकेंगे। तो देखिए दोस्तों नाश्ता बहुत अच्छे से बन चुका है, दोनों तरफ से ये कुरकुरा हो गया है। इसको आप अपने मनपसंद चटनी के साथ खा सकते हैं, ऐसे भी खाइए बहुत अच्छा लगेगा। एक नाश्ता आप खाएंगे तो आपका पेट एकदम से भर जाएगा। अच्छा लगा होगा वीडियो तो आप लोग भी जरूर बचे हुए रोटी का नाश्ता ट्राई कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।